एक रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यमन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ सोना भेजा। जब वो माल पहुंचता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो एक शख्स आता है, रावी उसका हुलिया बयान करते हुए कहता है कि उसके उसकी आंखें अंदर को पिचकी हुई थी, यानी धंसी हुई थी, गाल उसके बड़े बड़े थे, माथा उसका निकला हुआ था, और वो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहता है, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह से डरिए। अब ये एक बेअदबी पर मुश्तमिल जुमला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला सुनकर गुस्से में आए, गजबनाक हुए और आपने फरमाया कि तेरी हलाकत हो, इस वक्त रोए जमीन में मुझसे बढ़कर कौन होगा जो अल्लाह से डरता हो। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से को सहाबा किराम ने मुलाहजा किया तो एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, लअल्लहु युसल्ली, शायद कि वो नमाज पढ़ता हो। गोया के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने के जरिए या उसके अंदर इस सिफत में सिफत की मौजूदगी की वजह से उसके मुसलमान होने का फैसला किया और सहाबी को मना किया कि इसको कत्ल करने की इजाजत नहीं है। इसी तरीके से एक और रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में थे, एक सहाबी भी बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वक्त हुआ तो उठे और सहाबा ने आपके साथ नमाज पढ़ी, वो सहाबी अपनी जगह बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर वापस आए तो वो बैठे हुए थे, तो आपने उनसे जो सवाल किया वो सुनने के लायक है। आपने फरमाया, अलस्ता बिरजुलिन मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान नहीं हो, यानी तुमने हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी, क्या तुम मुसलमान नहीं हो। तो उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर वालों के साथ नमाज पढ़ के आया था, इसलिए आपके साथ शामिल नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें फिर भी हमारे साथ शामिल होना चाहिए था। अब इसमें जो आप अलैहिस्सलाम का जुमला था वो हमारे लिए अलार्मिंग है कि अलस्ता बिरजुल मुस्लिम, कि क्या तुम मुसलमान नहीं हो। गोया कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम के साथ या मुसलमानों के साथ कोई सरोकार ही नहीं है। मुतअद्दिद रिवायात इस किस्म की मिलती हैं कि जब कोई सहाबी किसी की गुस्ताखी की वजह से या किसी की बेअदबी की वजह से या हद से बढ़ने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करते कि या रसूल अल्लाह, मैं इसकी गर्दन मार दूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में यही इरशाद फरमाते कि नहीं, क्योंकि ये नमाज पढ़ता है। गोया कि नमाज एक ऐसी सिफत थी या एक ऐसी अलामत थी कि जिसकी वजह से मुसलमान और काफिर के दरमियान खत्ते फासिल कायम होता था, इम्तियाज किया जाता था। एक रिवायत में वाज़ेह तौर पर आपका इरशाद है कि मुसलमान और काफिर के दरमियान अगर कोई खत इम्तियाज है तो वो नमाज है। एक और रिवायत बड़ी मारूफ है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, कि जो शख्स जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, तर्क करता है, तो उसका इस्लाम से क्या सरोकार, उसने कुफर किया, गोया कि वो काफिरों की फहरिस्त में जाकर शामिल हुआ। आज हमारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, पूरी पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ते, इसी हालत में इंतकाल हो जाता है। अब जाहिर है कि कानूनी तौर पर वो मुसलमान समझा जाएगा, उसकी जनाजा भी पढ़ी जाएगी, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, उसकी विरासत भी तकसीम होगी, लेकिन अल्लाह के कागजात में अल्लाह के हाँ उसका स्टेटस क्या है ये मुझे और आपको नहीं मालूम। और ये रिवायात का तसलसल ये बतलाता है, बगैर नमाज के अल्लाह के हुजूर हाजरी का मतलब यह है कि इस शख्स ने अल्लाह की बंदगी के जो हुकूक थे, जो अदायगियां और वाजिबात थी, वो उसने अदा नहीं किए। तो ये नमाज की अहमियत है।